खेती में कैसे करें डीजल की बचत। हालांकि तेल के दाम अभी पिछले कुछ दिनों में घटे हैं, लेकिन खेती में लगने वाली कुल लागत का बहुत बड़ा हिस्सा डीजल की लागत पर खर्च हो जाता है। किसान भाइयों के अधिक मुनाफे के लिए डीजल का उपयोग किफायत के साथ करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानें डीजल की खपत कम करने के नुस्खे। इंजन में हवा जाने की वजह से इंजन चालू करने पर टैपिट का शोर सुनाई देता है। इस वजह से डीजल की खपत बढ़ती है, इसलिए टैपिट से आवाज आने पर उसे फिर से टाइट बंधवाना चाहिए। इंजन से काम लेना शुरू करने पर कुछ काला धुआं निकलता है, पर यह जल्दी ही स्वयं साफ हो जाता है। यदि इंजेक्टर और इंजेक्शन पंप ठीक होने पर भी काला धुआं लगातार निकलता रहे तो यह इंजन पर पड़े अतिरिक्त बोझ की निशानी है। अतः काम के बोझ को उतना ही रखें जिससे इंजन काला धुआं न दे तथा डीजल भी ज्यादा न फूके। ठंडे इंजन से काम लेने पर उसके पुर्जों में घिसावट ज्यादा होती है और डीजल भी अधिक खर्च होता है। अतः इंजन चालू करने के बाद तुरंत ही उससे काम लेना शुरू न करें। ट्रैक्टर के पहियों में हवा कम होने से डीजल की खपत बढ़ती है, इसलिए निर्देश पुस्तिका में दिए गए सुझाव के अनुसार ही पहियों में हवा का दबाव रखें। ट्रैक्टर को इस प्रकार प्रयोग करें जिससे खेत के किनारों पर घूमने में कम समय लगे और खेत में अधिक समय कार्य हो सके। जैसे कि चौड़ाई के बजाय लंबाई में कार्य करने से ट्रैक्टर का खाली घूमना कम होगा और डीजल की खपत भी कम होगी। पंप सेट में ज्यादा बड़ा या छोटा पंप या इंजन प्रयोग करने से ज्यादा डीजल फूकता है और पानी कम मिलता है। अतः जल की उपलब्धता के अनुसार ही सही इंजन और पंप का चुनाव करें जो कम खर्च में ज्यादा पानी दे। अधिक दूरी से पानी खींचने में पंप सेट ज्यादा डीजल खर्च करता है, इसलिए पंप सेट को पानी की सतह से करीब लगाकर खर्च में बचत करें। पंप को चलाने वाले पट्टे के फिसलने से डीजल का खर्च बढ़ता है, अतः पट्टे को सही कसकर रखें। पट्टे में कम से कम जोड़ हो तथा इसे और घिरनियों के एक सीध में रखें। पंप सेट से पानी बाहर फेंकने वाले नल को जितना ज्यादा उठाया जाएगा उतना ही अधिक डीजल खर्च होगा। इसे उतना ही ऊंचा उठाएं जितना कि आवश्यक हो। इंजन का मोबिल ऑयल ज्यादा पुराना होने पर उसकी शक्ति घटने लगती है तथा डीजल ज्यादा खर्च होने लगता है, इसलिए निश्चित समय पर इंजन के मोबिल ऑयल और फिल्टर को जरूर बदलें।